हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका JCERT के डिजी स्कूल में। आज की इस वीडियो में आप पढ़ेंगे क्लास 3 की इंग्लिश बुक से यूनिट 5, जिसका नाम है कर्मा। कर्मा के बारे में आपने सुना है, आपने जाना है कि कर्मा मुख्य रूप से झारखंड में मनाए जाने वाला एक क्षेत्रीय त्यौहार है। और कर्मा के दिन क्या क्या किया जाता है, यह त्यौहार कैसे मनाया जाता है और लोग कैसे खुशियाँ मनाते हैं, इसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे और जानेंगे। इसके अलावा और कौन कौन से त्यौहार हैं जो हम मनाते हैं, उसके बारे में भी आप समझेंगे। लेकिन यह वीडियो शुरू करने से पहले, आगे पढ़ने से पहले, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी बुक, अपनी किताब अपने साथ रखिए, इस चैप्टर को खोलिए और लाइन बाय लाइन जैसे जैसे मैं पढ़ते जाती हूँ आप उसे वैसे ही दोहराते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। Let's listen, read and enjoy। आइए इसे सुनते हैं, पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं। Today it is Karma। आज कर्मा है। Today means आज। आज कर्मा है। Somai has invited his friends। Somai ने अपने दोस्तों को बुलाया है। कौन कौन से उसके दोस्त हैं? अमर, जावेद, कृपाल एंड जॉन। सुमाय के दोस्त हैं अमर, जावेद, कृपाल और जॉन। दे वेर गोइंग टू हिज हाउस। वे सुमाय के घर जा रहे थे। दे आर टॉकिंग अबाउट देयर फेस्टिवल्स। वे सभी अपने घरों में मनाए जाने वाले त्यौहार के बारे में बात कर रहे हैं। क्या क्या बातें कर रहे हैं, आइए उसे पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले अमर। अमर क्या कहता है? अमर कहता है, वी सेलिब्रेट दिवाली। हम दिवाली मनाते हैं। सेलिब्रेट मीन्स मनाना। इसे एक बार फिर से प्रोनाउंस कीजिए, सेलिब्रेट। CELEBRATE, दैट इज सेलिब्रेट। We celebrate Diwali। हम दिवाली मनाते हैं। We clean and decorate our houses। हम अपने घरों की सफाई करते हैं और उसे सजाते हैं। We worship goddess लक्ष्मी। हम देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। Goddess means देवी, worship means पूजा करना, तो हम देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। We burst crackers। हम पटाखे फोड़ते हैं, पटाखे जलाते हैं। Crackers means पटाखे। आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर जो फोटो है, यहाँ पर जो तस्वीर है, उसमें आप देखेंगे कि कैसे दिवाली मनाई जाती है। और आप भी अपने घरों में दिवाली मनाते हैं तो उस दिन क्या क्या करते हैं, उसका अंदाज़ा लगाइए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। We enjoy sweets। हम मिठाइयों का आनंद लेते हैं। Sweets means मिठाइयाँ, enjoy means आनंद लेना। तो अमर ने क्या क्या कहा, कौन कौन सी बातें बताई? कि हम दिवाली मनाते हैं, हम घरों की सफाई करते हैं और सजाते हैं, हम उस दिन सफाई करने के बाद फिर देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद हम पटाखे जलाते हैं और पटाखे जलाने के बाद मिठाइयाँ खाते हैं और सभी को खिलाते भी हैं। वी एन्जॉय स्वीट्स, है ना। उसके बाद बारी आती है जावेद की। जावेद क्या कहता है? जावेद मुस्लिम समुदाय का एक बच्चा है और वह क्या बताता है कि वी सेलिब्रेट ईद, ईद, हम ईद मनाते हैं, है ना। इट कम्स आफ्टर रमज़ान, और यह रमज़ान के बाद आता है। रमज़ान एक महीने का समय होता है और इस एक महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग उपवास रखते हैं और उपवास खत्म होने के बाद वह ईद मनाते हैं। और ईद कैसे मनाते हैं? वी वेयर न्यू क्लोथ्स। ईद के दिन हम नए कपड़े पहनते हैं। नए कपड़े पहनकर कहाँ जाते हैं? मस्जिद जाते हैं और वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। वी ऑफर नमाज, जैसे मंदिरों में मंत्र पढ़ा जाता है,
इसी तरह मस्जिदों में भी पूजा करने का तरीका यह होता है कि वह नमाज पढ़ते हैं। वी विश ईद मुबारक टू ईच अदर। नमाज पढ़ने के बाद, नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को हम ईद मुबारक की बधाइयाँ देते हैं। ईच अदर, ईच अदर मीन्स एक दूसरे को, विश मतलब बधाइयाँ देना, शुभकामनाएं देना। यहाँ फोटो में आप देखिए कैसे ईद ये लोग एक दूसरे को ईद मुबारक कह रहे हैं, है ना। उसके बाद बारी आती है कृपाल की। कृपाल सिख समुदाय का बच्चा है और वह कहता है कि वी सेलिब्रेट गुरु पर्व। हम गुरु पर्व मनाते हैं और गुरु पर्व के दिन हम क्या क्या करते हैं। वी वेयर न्यू क्लोथ्स। हम नए कपड़े पहनते हैं। वेयर मीन्स पहनना। इसके पहले भी सभी ने, जावेद ने भी कहा कि इट कम्स आफ्टर रमजान एंड वी वेयर न्यू क्लोथ्स। सभी त्योहारों में हम नए कपड़े पहनकर त्योहार का आनंद लेते हैं। कृपाल ने कहा वी वेयर न्यू क्लोथ्स। उसके बाद नए कपड़े पहनकर कहाँ जाते हैं, वे गुरुद्वारा जाते हैं। सभी सिख समुदाय के जितने लोग हैं गुरु पर्व के दिन तैयार होकर नए कपड़े पहनकर गुरुद्वारा जाते हैं और गुरुद्वारा में वह क्या पढ़ते हैं, अरदास, है ना। वी ऑफर अरदास इन गुरुद्वारा। हम गुरुद्वारे में अरदास पढ़ते हैं। Everybody takes प्रसाद in the लंगर। अरदास पढ़ने के बाद फिर सभी लोग लंगर में प्रसाद प्राप्त करते हैं। लंगर में सामूहिक रूप से सभी लोग एक साथ बैठते हैं और प्रसाद खाते हैं। वहाँ लोग मिलजुल कर प्रसाद बनाते हैं और एक दूसरे को बांटते हैं, है ना। आइए अब जॉन की बातें सुनते हैं। जॉन क्या कहता है। जॉन कहता है We celebrate Christmas on 25th December. हम 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं। तो क्रिसमस प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है, है ना बच्चों। और क्रिसमस को एक्समस भी कहा जाता है। We wear new clothes. हम नए कपड़े पहनते हैं। We offer prayer in the church. और हम चर्च में पूजा करते हैं, चर्च में प्रार्थना करते हैं। प्रेयर मीन्स प्रार्थना करना। तो हम चर्च में लॉर्ड जीसस क्राइस्ट को प्रे करते हैं। वी ईट केक्स एंड स्वीट्स। और हम क्रिसमस के दिन केक और मिठाइयाँ खाते हैं। वी सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन 25 दिसंबर, यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। उस दिन सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं और चर्च में जाकर वो प्रार्थना करते हैं और फिर उसके बाद केक और मिठाइयाँ खाते हैं, है ना। तो क्रिसमस क्रिश्चियन समुदाय के लोग मनाते हैं और वे कहाँ जाकर प्रार्थना करते हैं, चर्च में। सिख समुदाय के लोग कहाँ जाकर प्रार्थना करते हैं, गुरुद्वारा में, ठीक है। मुस्लिम समुदाय के लोग कहाँ प्रार्थना करते हैं, मस्जिद में। मस्जिद में वो क्या पढ़ते हैं, नमाज। और हिंदू समुदाय के लोग दिवाली मनाते हैं और वह कहाँ पूजा करते हैं, टेंपल में। और वहाँ किसकी पूजा करते हैं, देवी या देवता की, है ना। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, दे रीच सुमाइज हाउस। और वे सुमाई के घर पहुँचते हैं। यहाँ सुमाइज लिखा हुआ है, SOMAY apostrophe S। तो ये जो छोटा सा कॉमा ऊपर है उसे एपोस्ट्रोफी कहते हैं और एपोस्ट्रोफी S का मतलब होता है का, के, की। यानी दे रीच सुमाइज हाउस, वे सुमाई के घर पहुँचते हैं, है ना। देर इज अ प्लेस इन द सेंटर। बीच में, उसके घर के बीच में एक जगह है। इट इज कॉल्ड अखरा। और इसे अखरा कहते हैं। इट इज डेकोरेटेड विथ साल लीव्स। और यह साल के पत्तों से सजाया गया है। इट इज डेकोरेटेड विथ साल लीव्स। मेनी
पीपल आर स्टैंडिंग अराउंड इट, बहुत सारे लोग इसके चारों तरफ खड़े हैं, है ना। इस तस्वीर में आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अखरा के चारों ओर खड़े हैं, और यहाँ पर जो वृक्ष है वह साल का वृक्ष है, और इसे बहुत अच्छी तरीके से फूल पत्ती लगाकर सजाया गया है। अबीर और रंग का प्रयोग किया गया है इसे सजाने के लिए। तो मेनी पीपल आर स्टैंडिंग अराउंड इट, बहुत सारे लोग इसके इर्द गिर्द खड़े हैं। गर्ल्स आर इम्प्लांटिंग कर्मा डाल, और वहाँ पर लड़कियाँ कर्मा डाल को लगा रही हैं। दे आर डांसिंग, वे सभी नृत्य कर रही हैं, डांस कर रही हैं। सुमाय इज ऑल्सो डांसिंग, सुमाय भी डांस कर रहा है, नृत्य कर रहा है। कर्मा में जो डांस किया जाता है, जो नृत्य किया जाता है, उसे झूमर कहते हैं। लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक कतार में खड़े होकर यह नृत्य करते हैं, और आपने भी यह झूमर देखा होगा। अमर, जावेद, कृपाल, जॉन ऑल्सो जॉइन हिम, तो सुमाय के जो दोस्त थे अमर, जावेद, कृपाल और जो जॉन, वो भी सुमाय के साथ मिल जाते हैं, उसके साथ डांस करने लगते हैं। दे ईट पुआ एंड स्वीट्स, और वहाँ पर वह क्या खाते हैं, कर्मा में क्या बना था उनके यहाँ, पुआ और मिठाइयाँ। दे एंजॉय वेरी मच, और वे इस मिठाई का बहुत आनंद लेते हैं। तो यहाँ इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, दैट इज वर्शिप, वर्शिप मीन्स पूजा करना, डब्ल्यू ओ आर एस एच आई पी, वर्शिप, वर्शिप मीन्स पूजा करना। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट मीन्स मनाना, त्यौहार मनाना, खुशियाँ मनाना। ऑफर मतलब अदा करना, देना, चढ़ावा करना, तो वी ऑफर, ओ डबल एफ ई आर, ऑफर। नेक्स्ट इज डेकोरेट, डी ई सी ओ आर ए टी ई, डेकोरेट दैट मीन्स सजाना। क्लोथ, सी एल ओ टी एच, क्लोथ मीन्स कपड़ा। सी एच आर आई एस टी एम ए एस, क्रिसमस, क्रिसमस मीन्स एक्समस, जो क्रिश्चियन समुदाय के लोग त्यौहार मनाते हैं उसे क्रिसमस कहते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर को आपने मेरे साथ साथ पढ़ा, और अगर पढ़ने में कहीं परेशानी हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, और जहाँ पर नहीं समझ में आ रहा हो आपको, आप उस जगह को ध्यान से देखिए कि मैंने वहाँ पर क्या पढ़ा। चलिए फिर से मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। टिल देन, थैंक यू।